तो मित्रों, साप्ताहिक चलचित्र समाचार के 6ठे प्रकरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक पंक्ति बोल के मुझको आभास हो गया है कि शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करना बहुत ही कठिन कार्य है। वैसे भाई, खबरें तो इस बार भी बहुत सारी आई हैं, हॉलीवुड से भी और बॉलीवुड से भी। टॉलीवुड से इतनी कुछ खास खबरें नहीं आई हैं इस बार। और अगर आप एक भी खबर मिस नहीं करना चाहते तो उस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना कोई देरी किए चलिए बकवास शुरू करते हैं। तो अगर बात करें मार्वल की, तो भाई सबसे बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर आ चुका है। और भाई क्या धांसू ट्रेलर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर बाय एनी चांस आपने वो ट्रेलर मिस कर दिया है तो जाकर ज़रूर देखना। और हमने इसका ट्रेलर रिव्यू कर रखा है, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, जाकर देख लेना वो वाली वीडियो भी। और इस मूवी का एक नया पोस्टर भी आया है, और एम्पायर मैगजीन की तरफ से इस मूवी का ये एक नया स्टिल भी आया है। और इस पोस्टर को देख के जो लोग ये कह रहे थे कि इस मूवी में डेडपूल भी आने वाला है, तो भाई रैन रेनॉल्ड्स ने साफ साफ बोल दिया है कि वो इस मूवी में नहीं है। Are you in the Doctor Strange movie? No, that was a 1978 leg hold trap from Russia. Like I saw that from 100 miles away. Yeah, I'm not really supposed to. I guess I'm really not supposed to say anything about that, but I'm really not in the movie. I'm not supposed to say anything, but I'm really not in the movie. You just said something, and you could be lying. And you could be lying to me. I could be an unreliable narrator, but I promise you, I'm not in the movie. Yeah. All those people. We're good. Not in that movie. We're good. We're good. There's a team of people that will neutralize you as soon as you leave. Leave here. और डायलॉग मैंने कहीं सुना है शायद। फिर अगर बात करें मून नाइट की, तो ऑस्कर विनिंग एक्टर एफ मरे अब्राहम इस मूवी में इजिप्शियन गॉड खोनशू की वॉइस देने वाले हैं। और एम्पायर मैगजीन की तरफ से हमें इस सीरीज में से मार्क स्पेक्टर का ये नया लुक भी देखने को मिला, और इस सीरीज का ये नया पोस्टर भी सामने आया है। तो देख के बताना कि आपको पोस्टर और ये लुक कैसा लगा। अब बात करते हैं नो वे होम के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि नो वे होम ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अवतार को पीछे छोड़ दिया है, और अब ये डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में थर्ड हाइस्ट ग्रोसर बन चुकी है। और हाँ, याद रखना मैंने डोमेस्टिक बोला, यानी कि यूएस में, ना कि वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने कमा लिए हैं 1.8 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पैसे। और अब वो बात जिसका आप सब लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हो कि आखिर ये मूवी डिजिटली कब आएगी। तो इस फिल्म की डिजिटल रिलीज डेट आ चुकी है, और ये फिल्म डिजिटली आ रही है 22 मार्च को रात को 12 बजे। और अब एक र्यूमर है जिसको सुन के मैं बहुत खुश हुआ था, और उसको सुन के आप भी बहुत खुश होने वाले हो। और वो रूमर ये है कि 11 मार्च को थिएटर्स में नो वे होम का डायरेक्टर्स कट रिलीज किया जाएगा, जिसमें हमको तीनों स्पाइडीज के और ज़्यादा हैंगआउट सीन्स, मैट मर्डॉक के और भी ज़्यादा सीन्स, और कुछ इम्प्रूव्ड वीएफएक्स सीन्स भी दिखाए जाएंगे। और अगर ये रूमर सच होता है तो सच में बहुत मज़ा आ जाएगा हम सबको। अब बात करते हैं कुछ छोटी मगर मोटी खबरों के बारे में। तो अभी कुछ दिन पहले केविन फाइगी ने ये कन्फर्म कर दिया है कि एवेंजर्स एंड गेम अवेंजर्स की लास्ट मूवी है। तो जो लोग भी सोच रहे थे कि अवेंजर्स की फिफ्थ मूवी भी आएगी जिसमें गैलेक्टस आएगा, तो भाई उम्मीद छोड़ दो, एंड गेम के बाद और कोई मूवी नहीं आएगी अवेंजर्स की। पर हाँ, गैलेक्टस आ सकता है। केविन फाइगी ने ये बोला है कि मार्वल स्टूडियोज और एमसीयू के 10 साल पूरे हो चुके हैं, और एंड गेम के साथ उन्होंने एक 22 मूवी की इन्फिनिटी सागा को कंप्लीट कर लिया है। फिर अगर बात करें ब्लैक पैंथर की, तो ब्लैक पैंथर की 4 ईयर एनिवर्सरी पे चैडविक बोसमैन सर के टिचारा का एक स्टैचू बनवाया गया है, और इसकी लेंथ है 26.5 इंच, इसकी विड्थ है 11.5 इंच, और इसकी डेप्थ है 15 इंच। और मेरी नज़र में सर चैडविक बोसमैन के लिए इससे अच्छा ट्रिब्यूट हो ही नहीं सकता। तो अब आते हैं डीसी पे। तो डीसी की तरफ से बस एक ही खबर आई है, और वो खबर ये है कि इसके शो पीस मेकर का सीक्वल कंफर्म कर दिया गया है इसके मेकर्स की तरफ से। बताओ, सीक्वल तक कंफर्म कर दिया, और यहाँ तक अभी तक देखा तक नहीं है पीस मेकर। अब बात करते हैं कुछ और हॉलीवुड मूवीज के बारे में। तो 2 सितंबर को अमेज़न प्राइम पे आने वाली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज का ये ऑफिशियल टीजर आ चुका है, और सच में अब धीरे धीरे करते करते इसकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके टीजर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर मन करे तो जाकर देख लेना। और प्राइम की बात चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 4 मार्च से अमेजोन प्राइम पे द बॉयज़ की एक प्रीक्वल एनिमेटेड शो आने वाला है, जिसका नाम है द बॉयज़ डायबॉलिकल, और इसके ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर मन करे तो जाकर देख लेना। नेक्स्ट खबर यह है कि पैरामाउंट स्टार ट्रैक का 4th पार्ट लेके आ रहा है, जिसमें हमें क्रिस पाइन, जैकी क्विंटो, साइमन पेग, कार्ल अर्बन, जो सेल्डेना और जो चो एक बार फिर साथ में नजर आने वाले हैं।
और पैराबाउंड की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मर्स की एक नई सीरीज, एक नई ट्रायलॉजी की फर्स्ट फिल्म को अनाउंस कर दिया गया है और उस फर्स्ट फिल्म का नाम होने वाला है ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट, और ये अगले साल यानी कि 2023 में आने वाली है। और उससे पहले इस साल सेप्टेम्बर अक्टूबर के बीच में निकेलोडियन पे ट्रांसफॉर्मर्स का एक नया एनिमेशन शो आने वाला है। और अब जब निक की बात हो रही है तो बात करते हैं सोनिक के बारे में। तो सोनिक मूवी के सेकंड पार्ट सोनिक द हेजोग का ये नया पोस्टर सामने आया है और ये फिल्म थिएटर्स में आ रही है 8 अप्रैल को। और पर्सनली मुझको इस फिल्म का बहुत वेट है और इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट भी मुझको बहुत पसंद आया था। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। और वैसे भी इस फिल्म में हम सबके फेवरेट एक्टर हैं जिम कैरी। और अब हॉलीवुड की वो न्यूज़ जिसको सुन के मुझको बहुत खुशी हुई थी, और वो न्यूज़ ये है कि फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 रिलीज हो रहा है 27 मई को, यानी कि मेरे बर्थडे के ठीक अगले दिन। और इसका एंड भी दो पार्ट्स में किया जाएगा और इसका सेकंड पार्ट आएगा 1 जुलाई को। और मैंने फाइनली इसलिए बोला क्योंकि इसका थर्ड सीजन 2019 में आया था और तब से मैं इसका वेट कर रहा था, बट अब फाइनली देखने को मिलेगा सीजन 4। अब बात करते हैं बॉलीवुड और टॉलीवुड के बारे में। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल ऊपर वाले को गाने सुनने का बहुत मन कर रहा है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 16 तारीख को हम सबके चहेते, हम सबके प्यारे बप्पी दा हम सबको छोड़ कर चले गए हैं। पता नहीं मैं क्या बोलूँ, पर भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। अभी कुछ दिन पहले रुद्र का एक नया ट्रेलर सामने आया है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर मन हो तो जाकर देख लेना। और टू बी ऑनेस्ट मैं इस सीरीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो उसकी डार्क टोन है, एक जो उसके ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है, और जो इसके अंदर का कॉन्सेप्ट दिखाया गया एक मर्डर मिस्ट्री को लेके, वो मुझको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और अब जब ट्रेलर की बात चली रही है तो लीजिए फाइनली बॉलीवुड की मच फेवरेट मूवी बच्चन पांडे का ट्रेलर आ गया है और इसके ये नए पोस्टर्स भी सामने आए हैं। और ये फिल्म थिएटर्स में आ रही है 18 मार्च को यानी होली को, और मुझको लग रहा है कि ये शायद पराग सामजी की पहली फिल्म होगी जो मुझको पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो एक्शन सीन दिखाए गए हैं वो मुझको पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं, सिवाय इसके चीप डायलॉग्स के। और फिर नेक्स्ट निकल के आता है राजीव कपूर जी की लास्ट फिल्म तुलसीदास जूनियर का ट्रेलर। ये फिल्म थिएटर्स में आ रही है 4 मार्च को, और मेरे ख्याल से ये बॉलीवुड की पहली फिल्म होगी जो बेस्ड है स्नूकर पे। और क्या आपने नोटिस किया कि 4 मार्च को बॉलीवुड की दो स्पोर्ट्स मूवीज आ रही हैं, सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी की झुंड जो कि बेस्ड है फुटबॉल पे, और एक आ रही है तुलसीदास जूनियर जो कि बेस्ड है बिलियर्ड्स पे, और दोनों फिल्में क्लैश कर रही है द बैटमैन के साथ। तो बॉलीवुड ने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है और इसके ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर मन हो तो जाकर देखिएगा। और मैं इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ, मुझको इसका ट्रेलर देख के इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं कुछ पोस्टर्स और कुछ रिलीज डेट्स के बारे में। तो लाल सिंह चड्ढा जो पहले आने वाली थी 14 अप्रैल को, अब वो आ रही 11 अगस्त को, जिसकी वजह से आदि पुरुष की टीम ने अपनी रिलीज डेट को शिफ्ट कर लिया है, और अब आदि पुरुष कब रिलीज होगी वी डोंट नो। और अक्षय सर की अपकमिंग मूवी रक्षाबंधन की भी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म थिएटर्स में आ रही है 11 अगस्त को, यानी कि लाल सिंह चड्ढा के साथ क्लैश, और अब लाल सिंह चड्ढा का पिटना कन्फर्म है। और अब बात करते हैं जर्सी के बारे में। तो फाइनली शाहिद कपूर की मच फेवरेट मूवी जर्सी थिएटर्स में आ रही है 14 अप्रैल को, और गंगूबाई काठेवाड़ी का ये नया पोस्टर सामने आया है, और फिल्म थिएटर्स में आ रही है 25 फरवरी को। और 25 फरवरी को तीन बड़ी बड़ी फिल्में साथ में क्लैश कर रही हैं, सबसे पहले वलीमई, फिर गंगूबाई काठेवाड़ी, और फिर भीमला नायक, और इनमें से मैं वलीमई के लिए हद से ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। अब जब पोस्टर की बात चली रही है तो माधुरी मैम की डेब्यू वेब सीरीज द फेम गेम का ये नया पोस्टर सामने आया है, और इस सीरीज नेटफ्लिक्स पर आ रही है 25 फरवरी को। और पिछले हफ्ते वैलेंटाइंस डे पे राधे श्याम के मेकर्स ने इस फिल्म के ये नए पोस्टर शेयर किए हैं, और इसका एक नया वैलेंटाइन डे ग्लिम्प्स भी शेयर किया है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर मन करे तो जाकर देख लेना। और फिर नेक्स्ट खबर ये है कि कृति सैनन की छोटी बहन नुपुर सैनन की डेब्यू फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, और उस फिल्म में उनके साथ होंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और इस फिल्म का नाम है नूरानी चेहरा, जिसका एक फर्स्ट पोस्टर भी सामने आया है। तो किस्मत देखो, छोटी बहन आई नवाज सर के साथ और बड़ी बहन आई टाइगर श्रॉफ के साथ, मजाक कर रहा हूँ। और शूटिंग से याद आया कि दृश्यम 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और उसके सेट से ये पहली फोटो आई है, और मुझको अजय सर का ये लुक बहुत अच्छा लगा। और नवाज सर से याद आया कि नवाज सर और भूमि पेडनेकर साथ में कोलैब कर रहे हैं एक नई मूवी के लिए जिसका नाम है अफवाह, और इस फिल्म को बना रहे हैं सुधीर मिश्रा, और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार सर और अनुभव सिन्हा। और अगली खबर है कपिल शर्मा के बारे में।
तो कपिल शर्मा जी एक्टिंग में रिटर्न कर रहे हैं और वो नंदिता दास की नई मूवी में लीड रोल में दिखेंगे, जिसमें वो एक फूड डिलीवरी बॉय बनेंगे और उनकी वाइफ बनेंगी शहाना गोस्वामी। और इस फिल्म का नाम क्या होगा वो अब तक नहीं बताया गया है। और अभी कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म उत्सव पे एरोजनाव, आनंद पंडित, संदीप सिंह और रवि जाधव जी ने ये अनाउंस करा है कि वो शिवाजी महाराज के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं हिंदी और मराठी लैंग्वेज में, और उस फिल्म का नाम होगा बाल शिवाजी। तो दोस्तों ये थे इस वीक के अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपकी फिल्मों की भूख इस वीडियो से मिट गई होगी, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर बाई चांस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का लिंक है उसको जाके फॉलो कर लेना। और देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।